सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। गाइज, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओपन पोर्स यानी खुले हुए रोम छिद्रों के बारे में, जिसको लेकर आपने बहुत सारे कमेंट मुझे किए हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए, मेरी नेचुरल रेमेडीज पे इतना ट्रस्ट करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करने के लिए। गाइज, मैं हमेशा ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। स्पेशली मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ जिस टॉपिक की आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या फिर किसी टॉपिक पे आप चाहती हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आप चाहें तो पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बेस्ड है गाइस ओपन पोर्स यानी खुले हुए रोम छिद्रों के बारे में, जिससे काफी सारी लेडीज और गर्ल्स जूझ रही हैं। ओपन पोर्स यानी खुले हुए रोम छिद्र, जो कि हमारे चेहरे पे छोटे छोटे से महीन गुच्छों में गड्ढे नजर आने लगते हैं, वो होते हैं हमारे ओपन पोर्स। और ये ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को किस तरह से घर की चीजों से, नेचुरल चीजों से हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और अपनी स्किन को टाइट और फर्म कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उसी से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह के रेमेडी मैं अपने चैनल पर अपनी फैमिली के लिए लेकर आती हूँ। चलिए देखते हैं कि इस ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को हम जड़ से किस तरह से खत्म कर सकते हैं, वो भी नेचुरल चीजों से, घरेलू चीजों से। तो इस ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप में गाइस हम क्लिंजिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक खाली कटोरी में 2 चम्मच खट्टा दही लेने वाले हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि दही ही क्यों, कुछ और भी तो हम ले सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि दही के अंदर होता है भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। हमारी स्किन से जितने भी पॉल्यूशन के जो निशान चेहरे पे आ चुके हैं या फिर साइंस ऑफ एजिंग जो आने लगे हैं, उनको ये खत्म करता है। ठीक है, तो दही बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारी स्किन को रिजुविनेट करने का काम करता है। तो 2 चम्मच यहाँ पे हमने एक कटोरी में दही ले लिया है। अब आप एक टोमेटो ले लें और उसको हम हाफ कट कर लेंगे। आधा टमाटर का रस आपको इसी में स्क्विश कर देना है। अब इस दही और टमाटर के साथ हम अपने फेस पे क्लिंजिंग करने वाले हैं, ताकि जो हमारे पोर्स के अंदर गंदगी जमा है वो निकल जाए और हमारा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाए, डर्ट और धूल मिट्टी से साफ हो जाए और चेहरे को एक नेचुरल ग्लो मिल जाए। तो यहाँ पे ये जो क्लिंजर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस, ये हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी खत्म करने में बहुत मददगार होता है। ठीक है, दही और टमाटर का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है। ये बहुत ही माइल्ड तरीके से आपकी स्किन को साफ कर देता है। तो लगभग 2 मिनट तक हमें इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। अब हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे और हम सेकेंड स्टेप में करेंगे स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, जो कि नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को श्रिंक करता है, पोर्स को श्रिंक करके हमारी स्किन को टाइट करता है। और इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये हमारे साइंस ऑफ एजिंग को भी खत्म करता है। तो कितना चावल हमें लेना है, कितना आटा हमें लेना है, यहाँ पे लगभग 2 चम्मच यानी 2 टीस्पून हम चावल का आटा लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है। ना सिर्फ ये आपकी स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, बल्कि ये आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी खत्म करती है। तो तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें लाल मसूर की दाल का पाउडर ऐड कर देंगे गाइस। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर हमें इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 चुटकी यानी 1 पिंच ऑफ हमें टर्मरिक ऐड कर लेनी है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का जो आधा टुकड़ा हमारे पास बचा हुआ था, उसके रस को हम इसी में स्क्विश कर देंगे। और उसके बाद हम अपने फेस के ऊपर स्क्रब करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे करके आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। ये मसाज भी हमारा 2 मिनट का होना चाहिए। इससे क्या होगा गाइस कि आपकी स्किन की जितनी भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाने वाले हैं। और इसके बाद जब आप अपना फेस क्लीन करोगी ना, तो आपके फेस पे एक अलग ही निखार दिखाई पड़ेगा। इससे आपके जो ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक होंगे, आपकी स्किन टाइट होगी। ना सिर्फ ये आपकी स्किन को टाइट करता है, बल्कि ये आपकी स्किन को यंग करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक का मसाज कर लिया है गाइस। अब नॉर्मल वाटर से हमें अपने फेस को क्लीन करना है, ताकि जो स्क्रब है उसके पार्टिकल्स पूरे अच्छी तरह से साफ हो जाए और हमारे फेस पे बिल्कुल भी ना चुभे। ठीक है, अब थर्ड जो स्टेप है हमारा वो है फेस पैक। तो यहाँ पे फेस पैक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारे पोर्स ये 2 स्टेप करने से खुल गए हैं वो बंद हो जाए, श्रिंक हो जाए और हमारी स्किन टाइट हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लेने वाले हैं वो है फुलर अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी, जो कि आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से टाइट करती है।
आपकी स्किन को क्लीन करती है, साफ करती है, आपके पोर्स को श्रिंक करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल की ज़रूर ऐड करें, या फिर कोई सा भी ऑयल हो आप उसे ले सकती हैं। इसके बाद हम जो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बादाम पाउडर यानी आलमंड का पाउडर हमें ले लेना है। कुछ बादाम आप ले लें, उनको ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लें और उसी को इसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं गाइस वो है लेमन जूस। 1 टीस्पून हम लेमन जूस की इसमें ऐड कर देंगे। और लास्ट में इस पैक को बनाने के लिए गाइस हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसी के साथ एक अच्छा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी का हमें पैक बना लेना है। तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड करें और इसको एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में आप बना लें और इसकी थिक एप्लीकेशन अपने फेस पे ये 2 स्टेप करने के बाद करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस फेस पैक को आपको बहुत अच्छी तरह से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक का हमें वेट करना है जब आप देखें कि आपका पैक बिल्कुल ड्राई हो गया है। एक बार फिर से गाइस हमें गुनगुना पानी ले लेना है एक बाउल में और कॉटन के कपड़े को डिप करते हुए सबसे पहले हमें इस पैक को गीला करना है और गीला करने के बाद हम इस पैक को धीरे धीरे से करके निकालेंगे। इस तरह से इस पैक को रिमूव करेंगे। ये इस पैक को रिमूव करने का बिल्कुल सही तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करके आपकी स्किन को टाइटन करने का। इसके अलावा ये आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, स्किन को यंग और टाइट बनाता है। और जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ये उनके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। और यहाँ पे इसका रिजल्ट और ग्लो आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही जबरदस्त ट्रीटमेंट है जो हमने ये किया है अपने ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को खत्म करने का। तो 2 स्टेप जो हमने किए थे वो क्लींजिंग और स्क्रबिंग थी, और 3rd जो हमने ये फेस पैक लगाया है गाइस ये हमारे पोर्स को टोटली बिल्कुल श्रिंक कर देने वाला है। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इस पैक को क्लीन कर लिया है गाइस। अब नॉर्मल वाटर से यानी ठंडे पानी का ही हमें इस्तेमाल करना है। ठंडे पानी से आप अपने फेस को क्लीन ले, कोई भी एंटी एजिंग क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर की एप्लीकेशन बिल्कुल भी करना ना भूलें, क्योंकि इस वक्त विंटर है और विंटर में आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को खत्म करने का। लगातार चंद दिनों तक अगर ये तीनों ही स्टेप फॉलो करती हैं आप अल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़कर एक दिन आपको करना है, लगातार अगर आप करेंगी तो आप देखेंगी आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम खत्म होने लगी है, आपकी स्किन बिल्कुल चिकनी और स्मूथ बनने लगी है, आपकी स्किन पहले से टाइट और फर्म होने लगी है, बल्कि आपके चेहरे पे एक अलग ही निखार आ गया है गाइस। तो ये बहुत ही अमेजिंग नेचुरल ट्रीटमेंट है जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। आई होप कि मेरी फैमिली को आज का ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो विद बेल आइकन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके लिए लेकर आने वाली हूँ। और जहां पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं प्लीज मेरी वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।